नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डीडी टेक न्यूज़ में। दोस्तों, क्या आपका फ़ोन एंड्रॉयड 11 में अपग्रेड हो गया है? अगर हो गया है तो आपने देखा होगा, जैसे ही आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएंगे और इंटरनल स्टोरेज में आपको एक एंड्रॉयड का फोल्डर दिखता था, उसमें डाटा का फोल्डर होता था जिसके अंदर आपकी सारी ऐप्स का डाटा होता था। लेकिन एंड्रॉयड 11 में अपग्रेड होते ही वो जो डाटा का फोल्डर है वो सारा हिडन हो गया, उसमें आपकी किसी भी ऐप की कोई भी फाइल नहीं दिखती है। तो वो फाइल आप कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हम फ़ोन को बिना रूट किए उन हिडन फाइल्स को निकालेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एंड्रॉयड 11 लॉन्च होने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि एंड्रॉयड के अंदर जो डाटा फोल्डर होता था उसमें जो भी फाइलें थी वो अब हिडन हो गई हैं। वो किसी भी तरह से वो फाइल अब शो नहीं हो रही। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वो फाइल्स कैसे शो कर सकते हैं, कैसे उन फाइल्स को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तो आप टेलीग्राम के यूज़र हैं या टेलीग्राम एक्स यूज़ करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ से अगर आप कोई भी वीडियो, डॉक्यूमेंट, कुछ भी अगर डाउनलोड करते हैं, कोई भी फाइल, तो वो आपकी एंड्रॉयड के डाटा फोल्डर के अंदर जो टेलीग्राम का फोल्डर होता था वहाँ पे सेव होती थी। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, मीडिया फोल्डर होते थे उनमें सेव होती थी। लेकिन अब वो फोल्डर हिडन हो गए हैं। अगर तो आपके फ़ोन में पहले से उस फोल्डर में कोई फाइलें पड़ी हुई हैं या आप नई कोई डाउनलोड करते हैं तो वो सारी वहाँ पर चली जाएंगी, लेकिन आपको उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बड़ी आसानी के साथ आप कैसे उन फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, उन फाइल्स को देख सकते हैं कि उन फोल्डर्स में कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लेता हूं। ये डीडी टेक न्यूज़ मेरा ही चैनल है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये फाइल पड़ी हुई है। तो इस फाइल को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो चलो इसको देखते हैं कि ये फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। अगर हम क्लिक करते हैं ये फाइल, कोई भी हम इसका पाथ नहीं बताएगी कि ये फाइल कहाँ पे है। तो चलिए हम अपने फाइल मैनेजर में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। ये हमारा फाइल मैनेजर है, इसमें ये डाटा वाला फोल्डर है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इस फोल्डर में कोई भी फाइल दिखाई नहीं दे रही? सारी फाइल्स यहीं पे हैं, फाइल हिडन हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 11 में अपग्रेड हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटिंग्स है और हम अबाउट में चलते हैं और आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 11 हो गया है। ये आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 11 में आपको इस फोल्डर की व्यूइंग की परमिशन नहीं है। तो हम कैसे इस फोल्डर को देख सकते हैं, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसके लिए आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करते ही यहाँ पे फाइल्स लिख के सर्च मारिए। ये जो ब्लू कलर का फोल्डर दिख रहा है, फाइल्स लिखा हुआ और कुछ नहीं, इस पे आप क्लिक करिए। ये 18KB की फ़ाइल है, इसे आपको इंस्टॉल करना है। जी हाँ, ये फाइल बिल्कुल 18KB की है और इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको ओपन करना है इस फाइल को। ये बहुत ही जल्दी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी, कुछ ही सेकेंड्स में, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं है। तो ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होते ही आप देखेंगे कि ये हमारा फाइल मैनेजर पूरा खुल गया है और यहाँ पे वो एंड्रॉयड का फोल्डर भी दिख रहा है जिसके अंदर हमारी वो डाटा वाली फोल्डर होता है। ये देखिए, डाटा वाला फोल्डर, मीडिया वाला, वो सारे फोल्डर जो उसमें एंड्रॉयड में थे फाइल मैनेजर में, वो सारे दिख रहे हैं। ये देखिए, मैं डाटा वाला फोल्डर ऑप्शन ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरी सारी की सारी फाइलें दिख रही हैं। अभी मैं नीचे चले जाता हूँ और वो टेलीग्राम का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरी टेलीग्राम की फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड होती हैं। ये फाइल्स वाला आ गया। ये देखिए, डॉक्यूमेंट भी है, मेरे फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़, ये वीडियोज़ वाला फोल्डर है। सारी वीडियोज़ मेरी यहाँ पर पड़ी हैं जो मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड की हैं। डॉक्यूमेंट भी सभी मेरे यहीं पर पड़े हुए हैं। तो मैं इनको किसी को भी कॉपी करके अपने फाइल मैनेजर में पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे इनमें से मैं एक फ़ाइल को कॉपी करता हूँ और अपने फोल्डर में आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे ऊपर वाली फाइल है, फर्स्ट वाली, इसको मैं यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके तो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी टू, ये मेरा डाउनलोड वाला फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
ये नीचे कॉपी के बटन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट अभी हो गया है, तो हम चलते हैं अब अपने फाइल मैनेजर में, जो मेरे फ़ोन का फाइल मैनेजर है उसमें चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या ये फ़ाइल यहाँ पर आई है। तो चलिए हम बैक करके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं। ये डाउनलोड वाला फ़ोल्डर, इसको ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हो वो जो फ़ाइल वहाँ से कॉपी की थी, आप उसका नाम पढ़ सकते हो, ये सेम वाली फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। तो ये बड़ी आसानी से कॉपी होगी। ऐसे करके आप किसी भी फाइल को उस हिडन फाइलों में से, फोल्डरों में से कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं, चाहे वो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड की हो, टेलीग्राफ से डाउनलोड की हो, या कहीं से भी डाउनलोड की हो। तो और भी जो भी आप सेटिंग करना चाहते हो वो सब कुछ आप बड़ी ही आसानी के साथ इस जो है सॉफ्टवेयर के साथ, एप्लीकेशन के साथ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल डिजिटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।